हेलो स्टूडेंट्स, मॉडल्स के बारे में एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे चुके हैं। अब मॉडल्स को एक बार में ही अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो शायद हमारे बच्चों को आज तक ना तो समझ में आए हैं और ना ही आएंगे। क्यों? ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं समझ सकते, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। दिस जस्ट माई एक्सपीरियंस कि एकदम से जब मॉडल्स करते हैं तो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने फ्रेगमेंट्स में लिए हैं मॉडल्स, बिल्कुल छोटे छोटे और मैक्सिमम 5 मिनट्स के लिए। सबसे पहले चलते हैं हम शेल विल के लिए। शेल और विल में डिफरेंस, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस में मेन बात जो है, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस में शेल विल यूज होता है। लेकिन इस तरह के सेंटेंस में ये वाला मेरा जो सेंटेंस रहेगा ये सभी में रहेगा लगभग, इट डैश रेन। अगर ऐसा आता है तो इसमें लगभग 12 मॉडल्स आ सकते हैं आउट ऑफ 13। मॉडल्स हमने कितने पढ़े थे? टोटल 13 में से 12 उसमें भर सकते हैं। लेकिन कैसे डिफरेंशिएट होगा वो ये बताएंगे धीरे धीरे। तो टुडे वी आर डूइंग शेल विल। सिंपल फ्यूचर में जब यूज होता है तो फर्स्ट पर्सन, ऑन दैट डे वी डिड, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई वी के साथ शेल यूज करते हैं, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, यानी कौन कौन से, ही, शी, इट, यू, दे, इन सब के साथ विल। सिंपल है, आई शैल टेक टी, यू विल लर्न मॉडल्स, आई शैल टीच यू इंग्लिश, आई विल टीच यू इंग्लिश। अब ये जो डिफरेंस आ गया ये क्या है? ये डिफरेंस है कि शैल और विल में कैसे डिफरेंशिएट करें, वो यहां पे करते हैं। इफ देयर इज एनी प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन और कमांड, फिर बता रहा हूं एक बार, कोई भी प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कमांड, ऑर्डर, कंपल्सन, नेसेसिटी, इस तरह की कोई भी बात होती है तो ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या आ जाता है? सेल आ जाता है, सॉरी, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आ जाता है? शेल की जगह अब विल आ जाएगा। सेकंड और थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा। वो कैसे? अब ये चारों पांचों कंडीशंस जितनी भी हैं ये इस तरह से होंगी। देखो, आई शैल टीच यू इंग्लिश, वेरी सिंपल, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, हो सकता है ना भी पढ़ाऊं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आई विल टीच यू, इट मींस दैट इज डेड श्योर। इस तरह के वर्ड्स मिल सकते हैं, श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली, कुछ एक ये वर्ड्स हैं जो इनमें मिल भी सकते हैं सेंटेंस में, तो फिर ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। जैसे He will learn English next month. Simple future sentence है. He will learn English next month. He shall learn English next month. मतलब वो पक्का सीखेगा. यहाँ क्या आ गया है? पक्का. Determination है. Similarly, you will stay at home. Order है. During the lockdown, अगर मैं कहूँ, you will stay at home. लेकिन हम घर पर नहीं रुक रहे हैं। अगर हम इसमें सेंटेंस में ये लगाते हैं कि यू शैल स्टे एट होम, दिस इज अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर बाय द पीएम, इट मीन्स आपको रुकना ही पड़ेगा, दिस इज ऑर्डर, कमांडिंग। सिमिलरली, इफ यू ट्राई यू विल अंडरस्टैंड, इफ यू अंडरस्टैंड आई शैल बी हैप्पी। दोनों में क्या है? ये कंडीशनल सेंटेंसेस हो जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हमेशा क्या लगता है? Will, shall, according to the rule. इनका हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस, लेकिन जब भी आते हैं आप इधर एक रूल है, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ में will, shall या फर्स्ट फॉर्म लगाइए बस। और देखिए कुछ एक एग्जाम्पल्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हमेशा हम क्या यूज करते हैं? शैल, विल नहीं करते। कैसे? लेकिन इंट्रोगेटिव कैसे होने चाहिए? जिसमें किसी दूसरे की इच्छा जानना चाहें, हम किसी दूसरे के बारे में जानना चाहें। जैसे देखो, Shall I bring coffee? आपके लिए कॉफी लाऊं, आपके लिए चाय लाऊं, आपके लिए पानी लाऊं। हम किससे पूछते हैं कि Shall I bring another marker for you? मैं आपके लिए दूसरा मार्कर लाऊं? ये नहीं कहेंगे Will I bring? मैं लाऊंगा हो जाएगी इसकी सेंस। इसके लिए क्या होगा? इसी तरह से Shall we go there? एक मूवी लगी है, पिक्चर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि Shall we go? हम जाएंगे क्या पिक्चर देखने? चलेंगे, जाएंगे, ऐसे ही। Shall I get any response from you? आप ये सीख रहे हैं, क्या मैं आपसे कुछ पाऊंगा? क्या मतलब रेस्पॉन्स, आपका कुछ प्रत्युत्तर मिलेगा मेरे को? इसी तरह से और देखिए, दे विल कम टू स्कूल टुमारो, सिंपल फ्यूचर है,
मैं ये नहीं कह रहा कि इंट्रोगेटिव में केवल शैल ही आएगा, आएगा विल भी। कैसे? दे विल कम टू स्कूल टुमारो, विल दे, विल को बाहर ले आओ बस। मैं कहूँ कि यू विल ईट फूड, विल यू ईट फूड, होगा ये तो सिंपल। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब किसी की इच्छा जाननी हो, किसी के बारे में पूछना हो, किसी से पूछना हो कि मैं आपके लिए लाऊं, मैं आपके लिए करूं, तो फिर शैल बाहर आएगा। इसी तरह थोड़ी सी और कंडीशंस है विल की, टू नो द विल, विल और विश का मतलब होता है इच्छा, जैसे विल यू टेक टी, अभी हमने किया। लेकिन इससे ज़्यादा पोलाइट हो गए तो हम आगे पढ़ेंगे वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी। इस तरह के सेंटेंस में वुड आता है जब लाइक आ जाता है। तुक्के वाले रूल्स भी पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। किसी को वार्निंग देनी हो, रन फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द बस, रन फास्ट लेस्ट यू शुड, इसमें देखिए लेस्ट अगर आ गया तो पक्का शुड लगेगा, आगे पढ़ेंगे। अदरवाइज आ जाता है तो हम विल यूज कर देते हैं। सिमिलरली विलिंगनेस, इच्छा जाननी है, आई विल टीच यू ओनली इफ यू वांट, अगर आप चाहेंगे तो ही पढ़ाऊंगा, विल आ गया। और इसमें है यू विल लर्न ओनली इफ यू वांट, अगर आप चाहेंगे तो ही आप सीख पाएंगे। कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ भी इफ जहाँ आ जाता है वो कंडीशनल बन जाता है, और कंडीशनल आते ही इसमें विल आ जाएगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, बाय नाउ ही विल बी, अब तक वो पहुँच गया होगा, मतलब सिंपल फ्यूचर ही सेंस है अगर हम देखें तो। बाय टुमारो, कल तक यू विल लर्न ऑल मॉडल्स, आप सभी मॉडल सीख जाएंगे। यानी ओवरऑल मिलाकर के क्या है कि ये सिंपल फ्यूचर सेंस चल रही है, और डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस सिर्फ इन चार पाँच कंडीशंस में आता है। तो छोटा सा डिफरेंस है ये शैल और विल, ये चारों पांचों कंडीशंस होते ही ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। दैट्स ऑल।